नाज़रीन दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतखाब अहमद। आज मैं अपने चेरी का जो ट्री है उस पर आपको चहचहाती चिड़िया की आवाज़ आपको आ रही होगी, वो भी आई हुई है यहाँ पे। और आज का प्रोग्राम कुछ चेरीज के बारे में होगा, तो मैं इसको पिक करने लगा हूँ। अब वो जब चेरीज पिक होंगी तो आप देखिएगा कि कितना मज़ा आएगा। देखते रहिए वैंकूवर की जान, दिल अपना पाकिस्तान। ये मेरे घर से जहाज जा रहा है, ये देखिए निकल गया। एयरक्राफ्ट इज गोइंग, देयर वी गो, दैट्स द एयरक्राफ्ट गोइंग। ये नाज़रीन दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतखाब अहमद। नाज़रीन इस हफ़्ते दो एक ट्रेजडीज़ हुई हैं। एक ट्रेजडी तो बहुत ज़्यादा जो बीसी में फेल्ट की गई, लोअर मेनलैंड में, हमारे एक दोस्त जो रहते थे काशिफ शेख, उनकी ट्रेजिकली ड्राउनिंग से डेथ हो गई, जो फादर्स डे पर अपनी बेटी को बचाते हुए पानी में गिरे। और ये एक फ्रीक एक्सीडेंट था और जिसमें उनके काफ़ी वो सरवाइव नहीं कर सके। तो कम्युनिटी बहुत ज़्यादा परेशान है इस पे, और उनका जनाजा जो है वो जुमे वाले दिन कल 26 जून को होगा। तो ये एक बहुत बड़ा सदमा है। और इसी सदमे के साथ साथ जब हम देखते हैं कि अभी अमेरिका में ये पुलिस ब्रूटेलिटी फॉर माइनॉरिटी के लिए जो इंतहा को थी उस पर बड़े रॉइट्स हुए अमेरिका में, काफ़ी इमलाक को नुकसान हुआ, लोगों की जो हैं कारोबार ज़िंदगी जो है वो बहुत तातुल का शिकार हुआ। उसके साथ साथ अभी रिसेंटली टोरंटो में एक ऐसा कत्ल हुआ जो कि जिसकी वीडियो भी लोगों ने सोशल मीडिया पे देखी होगी। एजाज चौधरी जो 62 इयर्स के थे, अपील रीजनल पुलिस में ने उनके घर में रेड किया और उनको नंबर ऑफ बुलेट से उन्हें मार दिया। वो उनको मेंटल डिसऑर्डर था, वो मेंटल डिसऑर्डर ऐसा कैसा मेंटल डिसऑर्डर था कि वो घर के अंदर अपने मौजूद थे, किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। पुलिस हैव यूज्ड एक्सेसिव फोर्स, और उस एक्सेसिव फोर्स में उन्होंने उस इनोसेंट बंदे की जान ले ली। और टोरंटो में उनका बहुत बड़ा जनाजा हुआ, पब्लिक फ्यूनरल वाज सर्विसेज आर हेल्ड फॉर एजाज चौधरी इन मिसिसागा पार्क ऑन वेंसडे, कीपिंग द सोशल डिस्टेंसिस एज वेल। बट नाज़रीन ये कुछ समझ नहीं आ रही है कि दे शुड बी रीट्रेनिंग फॉर द पुलिस, बिकॉज पुलिस जो है वो मेरे नज़र में, या जो पुलिस बनाने का मकसद यही था कि इस पुलिस टू प्रोटेक्ट द पीपल्स इन एमरजेंसी। और मुझे नहीं लग रहा कि पुलिस जो है अपने वो जो उनका मैंडेट है उससे ये तजावज़ कर रही है, और या फिर इनके जो इंडिविजुअल्स हैं
ये मुझे इंडिविजुअल एक्ट लग रहा है, लेकिन ऑन द होल जब एक खुदा न खासा पुलिस ऑफिसर किल हो जाता है इनकाउंटर में कहीं पे, तो पूरी पुलिस की जो एकेडमीज हैं वो आती हैं और लोग डिफरेंट जगहों से आते हैं उसके फ्यूनरल में हिस्सा लेने के लिए। भाई ये जो लोकल लोग यहाँ पे किल हो रहे हैं, जो अपनी कम्युनिटी को सर्व करने के लिए पुलिस खड़ी होती है, तो पुलिस को तो ये जेब नहीं देता कि वो ओपन फायर करें। उसके लिए उन्होंने जो है टेज़र को लो इंटेंसिटी के लेज़र और पेपर स्प्रे वो यूज़ कर सकते हैं। और अगर वो पर्सन ऐसा एग्रेसिव नहीं है, नाइफ वर्सेस गन, तो ये मेरे ख़्याल में वो बंदे को नहीं इन्हें मारना चाहिए। देखते रहिए वैंकूवर की जान, दिल अपना पाकिस्तान। कैप्टन कैलीग्राफी के प्रोग्राम की तफसीलात मुलाहज़ा फरमाइए। तो नाज़रीन, इस काम में, इस कार्य ख्याल में जो स्पीयर हेड कर रहे हैं उसमें दिल अपना पाकिस्तान के साथ साथ फारूक राय साहब, बुशरा तारिक, असद अफ़ुल्फ़िकार, इरशाद हक और असद सैद साहब पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये ऑर्गेनाइजिंग टीम में होंगे। और इनका मकसद ये कि ये लोग जो हैं टैलेंट को, उनके रिसोर्सेज को इकट्ठा करें। और अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए अपने बच्चों की नॉमिनेशन के लिए, तो प्लीज़ दिए हुए नंबरों पर आप ज़रूर कॉल करें। और हम ये चाहेंगे कि जब तक वालदैन की पार्टिसिपेशन इस आर्ट्स, क्राफ्ट्स और कैलीग्राफी के कॉन्टेस्ट में नहीं होगी, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसी के साथ देखते रहिए वैंकूवर की जान, दिल अपना पाकिस्तान। आई कैन हेल्प इमिग्रेशन सर्विसेज इज रिलायबल एंड लीडिंग इमिग्रेशन सर्विस प्रोवाइडर इन सरी बीसी। We are a member in good standing with the ICCRC. Please send us your resume at sayed.khan@icanhelpimmigration.com or call us at 778-239-786. Our website is www.icanhelpimmigration.com. अहमद का प्यार भरा सलाम पहुँचे। आज दिल अपना पाकिस्तान का शो मैं अपने बैकयार्ड से शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पे आज सनी डे है जून का, और इस सनी डे में मुझे चेरीज पकती हुई नज़र आई कहीं पे। यहाँ पे अभी एक चिड़िया आई थी तो उसकी भी मुझे आवाज़ जो है वो सुनाई दी, वो मैं आपके प्रोग्राम के शुरू के हिस्से में अभी दिखाऊँगा इसके बाद। तो आज क्यों ना हम चेरीज के बारे में आपको ये बताएं कि चेरी का ट्री जो है ये माशाल्लाह ये हर साल इसी तरह का फल आता है, और मैंने सोचा कि इसको आज इसको चेरी पिकिंग भी की जाए। तो पिकिंग जो है, चेरी पिकर जो है, वो दो तरह से यूज़ होता है। चेरी पिकिंग करना, यू हैव टू पिक वन बाय वन, और ये एक तीन तीन का ये गुच्छा होता है, उसको आप तोड़ें और उसमें फिर आप अल्लाह की जो शान बयान की गई है कुरान करीम ने, अल्लाह ताला ने जो कुरान करीम में दुनियावी नेमतों का जो जिक्र किया है, उसमें फलों का भी बहुत जिक्र है। तो मैं एक कुरान की एक आयत है, फबी आई आला आई रबी कुमार तो कसीबान, के आप उसका तर्जमा ये है कुछ इस तरह से कि तुम मेरी कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तो चेरी की खसूसियत उन नेमतों में से एक ये है कि ये दिल के मर्ज के लिए बहुत अच्छी है और हाजमे के लिए बहुत अच्छी है, और काफ़ी सारी इसमें विटामिन ए बी सी डी वगैरह भी पाए जाते हैं। तो आइए आज ऐसा करते हैं कि मैं ना यहाँ से कुछ चेरी तोड़ता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि भाई ये चेरी जो है वो इस फन भी है, और इसको करना क्या कहते हैं साथ में एंजॉय करना भी। चलिए जी, ये लैडर पर मैं चढ़ रहा हूँ, अब देखते हैं कि हम कौन सी चेरी हमारे हिस्से में आती है और किस कौन सी वाली हम खाएंगे। मुझे ये ब्रांच बहुत बड़ी लग रही है, ये देखिए ये वाली ब्रांच जो है, कुछ ब्रांचेस जो है हमने कुछ
कभी एक टाइम आया था तो हमने तोड़ भी दी। और नाज़रीन ख्याल रखिएगा अपना कि ये आपके स्टेप जो हैं सीढ़ी पे, आपने अपने सीढ़ी को सही बैलेंस करके चढ़ना है और बहुत ध्यान से चेरियों को तोड़ना है। मैं ये एक चेरी का ये तोड़ रहा हूँ, ये देखें तो माशाल्लाह ये चेरीज जो हैं आज की ये हमारी सेगमेंट का एक हिस्सा है, समर के फल। और समर के फल जो हैं कनाडा में तो वैसे भी पूरी दुनिया के फल सारा साल मिलते हैं, जिनमें ऑरेंजेस, अंगूर और केले ख़ास तौर पे सारा साल मिलते हैं। और मुझे पाकिस्तान के भी नॉर्दर्न इलाकों के फल याद आ रहे हैं। और ये पाकिस्तान में चेरी और स्ट्रॉबेरीज और सेब जो हैं पहाड़ी इलाकों के फल हैं ये, और वहाँ पे बहुत तादाद में होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ख़ास तौर पे इन फलों की प्रिजर्वेशन का कोई नॉर्थ में खुबानी और इनका कोई नॉर्थ में कोई एक बाकायदा कोई सिस्टम नहीं है कि जिससे ये फलों को प्रिजर्व किया जा सके या टाइमली मंडी में पहुंच जाए। पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में है जहां पे हर तरह के फल और अल्लाह ताला की नेमतें, सब्जियां, हर चीज़ वहां पे मुहैया है। तो अगर ये दौर जिसमें हम गुज़र रहे हैं COVID-19 का दौर है, जिसमें ज़्यादातर लोग घरों में बैठे हुए हैं, तो वो क्यों ना अपने जो पेशा है बागबानी का, ज़राअत का और गल्लाबानी का, इसमें क्यों नहीं वापस चले जाते। जॉब्स करने के लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, जॉब्स के साथ साथ इन कामों के लिए भी पढ़ाई ज़रूरी है, एजुकेशन से दूर नहीं होना और उसके साथ साथ अपना रोज़गार ख़ुद तलाश करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो ये हम आपको ये दिखा रहे हैं, ये देखिए ये कितना बड़ा ये गुच्छा है, पूरी पूरी ब्रांचेस जो हैं वो इसी तरह से भरी पड़ी हैं और जैसे जैसे इनमें वो आ रहा है कलर चेंज हो रहा है, पक रही हैं, तो वो मैं तोड़ता जा रहा हूँ। ये देखें आप, ये नजरें ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल चेरीज हैं। और ये चेरीज के साथ देखते रहिए वैंकूवर की जान, दिल अपना पाकिस्तान। नाज़रीन आप ये देखें कि अल्लाह ताला की कुदरत, अल्लाह ताला ने इंसान को ज़मीन पर उतारने से पहले उसके लिए सारी नेमतें जो हैं वो दुनिया में ज़मीन ही से पैदा की गई हैं। हमें कोई चीज़, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, मनोसलवा नहीं है जो ऊपर से आया हो, वो एक ख़ास कौम के लिए आया था। लेकिन जो ये फल हैं, मादनियात हैं और ज़मीन से जो भी चीज़ें हम अपने अराउंड देखें तो अल्लाह ताला की बुजुर्गी और बड़ाई बयान करते रहें हर वक्त कि ज़मीन से निकली हुई निबातात हमारे लिए अल्लाह ताला ने पैदा की, इंसानों के लिए पैदा की। और आप अपनी जो जो ख़ास तौर पे फल देने वाले दरख्त हैं वो उगाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। और दरख्तों के बहुत फ़ायदे हैं फलों के अलावा, वो ऑक्सीजन आपको देते हैं और रात में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंज्यूम दरख्त कंज्यूम करते हैं। तो ये ट्रीज जो हैं वो लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो मैं आप और कुछ चेरीज जो हैं ये देखें, ये कितना ज़बरदस्त, ये देखें ये अल्लाह ताला की ये नेमतें जो हैं इन्हें मैं ये तोड़ता जा रहा हूँ और इसमें डालता जा रहा हूँ। और ये देखें, और इररेजिस्टेबल है ये इररेजिस्टेबल है, आप मुँह में डालें। और ये कि बारिश हुई थी तो मैं अभी धोने का धो के खाना चाहिए फल, लेकिन ये कि आप ज़रूर इसे अपने जो भी बाहर के फल हैं और इन्हें ज़रूर धो के खाएं और अच्छे अच्छे अल्लाह की नेमतें जो हैं उन्हें आप उससे मुस्तफीद हों। और कोशिश करें कि अपने तौर पे भी ये फलदार जो दरख्त हैं इन्हें आप लगाएं और इन्हें अडॉप्ट करें, अडॉप्ट ट्री का एक कॉन्सेप्ट बना लें।
कि आपने इस ट्री को अडॉप्ट किया है और उसकी देखभाल कर रहे हैं, उसकी सेहत का ख्याल रखें, उसके पानी का ख्याल रखें, तो आप देखेंगे हमारे चारों तरफ जो है पाकिस्तान में जो ज़मीन जो है वो डेजर्ट बनती जा रही है, सिर्फ इस वजह से कि लोगों को दरख्तों से, इन्वायरमेंट से मोहब्बत कम होती चली जा रही है। दरख्त जो है वो आग जलाने के लिए तो अब बहुत कम हो जाना चाहिए, क्योंकि गैस आ गई है, बिजली के चूल्हे भी आ गए हैं, तो उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और ख़ास तौर पे जो फलदार दरख्त लगाने के लिए आजकल आमों का सीज़न है, और मैं कुछ बड़ी को वो उम्मीद करते हैं कि भाई आम भी ऑन टाइम यहाँ पे आ जाएं, ड्यू टू लैक ऑफ एयर ट्रैवल, और काफ़ी एक्सपेक्ट करें कि आमों की प्राइसेस जो हैं वो आप अल्लाह करें कि वो हमारी रेंज में हो, हमारे सब लोगों की कनाडा में रहते हुए पाकिस्तानी आम मिल जाना भी एक बहुत बड़ी नेमत है। और ये अब मैं थोड़े से और आपके सामने चेरी तोड़ूंगा, और इसी के साथ देखते रहिए वैंकूवर की जान, दिल अपना पाकिस्तान। Just
जून की समर में लाइट क्लाउडी मौसम में इंतखाब अहमद आपको दिल अपना पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज ये COVID-19 की वजह से हमारे रूटीन कुछ चेंज हो गए हैं, कुछ स्कूलों के रूटीन चेंज हो गए हैं और स्कूलों ने जो अपनी क्योंकि मास गैदरिंग नहीं हो रही है, 50 से ज़्यादा लोग कहीं जमा नहीं हो सकते, तो स्कूलों ने ग्रेजुएशन भी बहुत टेक्निकली बहुत लिमिटेड लोगों की है। मैं उन सब ग्रेड्स को जिन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की, ग्रेड 7 से 8 में जा रहे हैं, हाई स्कूल में जा रहे हैं और ग्रेड 12 से जो यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, जिन्होंने अपने करियर पिक करने हैं, उनको सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। और जिन लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन भी कम्प्लीट होने जा रही है, ऑनलाइन पढ़ पढ़ के उन्होंने अपने आप को प्रूव किया कि दे कैन स्टडी इवन विदाउट सुपरविजन, और ये एक लिहाज से बहुत अच्छा हो गया है। और बच्चों को खेलने के मौके, पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ मिल के बैठने के बहुत मौके मिले हैं। तो जो एक कम्युनिकेशन गैप आ गया था किसी वजह से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से या स्कूल में बिजी होने की वजह से, बच्चे अपने जो हैं वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे अपने पेरेंट्स के साथ। अब आजकल जो हालात चल रहे हैं उनकी वजह से ये हो गया कि घर में कम से कम एक पेरेंट जो है वो घर में मौजूद होते हैं, तो बच्चों से इंटरेक्शन बहुत बढ़ गया, बच्चे अपनी समर एंजॉय कर रहे हैं। तो आज मैंने देखा कि आपने ऑनलाइन कॉफ़ी और टी तो देखी सुनी होगी, लेकिन ऑनलाइन के अलावा ड्राइव थ्रू जो ऑनलाइन पढ़ाइयाँ हुई हैं, और ड्राइव थ्रू अगर बच्चों को उनके सर्टिफिकेट दिए जा रहे थे, ये भी एक बहुत यूनिक काम हुआ है यहाँ पे कि प्राइमरी स्कूलों में इंटरेक्शन कम करने के लिए टीचर्स ने बच्चों के उनका सामान, उनके बैग्स और सारी चीज़ें उनको दी गई वापस, ताकि अपनी समर वेकेशन को वो एंजॉय कर सकें। आप समर वेकेशन को एंजॉय करने का यही हल है कि आप अपने बाय BC स्टे इन BC, सो यू डोंट हैव टू गो आउटसाइड BC एंड स्टे विद इन योर कम्युनिटी, और जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पे फुल गैदरिंग में ना जाएं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप ये देखें कि इस एपिडेमिक की वजह से हमारे जब भी कहीं पे ज़्यादा गैदरिंग हुई है उसके बाद COVID-19 के केसेस में इजाफा हुआ है। तो प्लीज़ अपनी सेहत का ख्याल रखें, समर इन्जॉय करें, अपने बच्चों के साथ रहें, अपने बड़ों बुज़ुर्गों के साथ रहें, उनसे कम्युनिकेट करें, और इस उनकी पढ़ाइयाँ जो हो चुकी हैं उनको इनक्रेज करें कि वो अपनी पढ़ाइयों के साथ साथ राइट करियर भी चूज़ करें। नाज़रीन, आज हमने अपने प्रोग्राम में
आपको ये चेरी पिकिंग का ज़रा इनक्रेजमेंट की है फलों की, और ख़ास तौर पे चेरी पिक करने में जो मज़ा आया मुझे आज और आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। इसमें ख़ास बात जो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि चेरी जो है वो उसका ट्री जो है वो काफ़ी हाइट पे चला जाता है उसकी ब्रांचेस, और हर दूसरी ब्रांच पे ऐसा लगता है कि अच्छी चेरीज लगी हुई हैं। तो आप रीच आउट करते हैं तो ऐसे रीच आउट नहीं करें, जो लैडर है वो 8 फीट से ज़्यादा ऊंची आप उस लैडर पे ना चढ़ें, अगर चढ़ें तो किसी सेफ्टी कोई सेफ्टी आपके पास होनी चाहिए जिससे कि आप गिरने से बच जाएं। और जैसे डूबने से डेथ्स होती हैं बहुत ज़्यादा, इसी तरह फॉल से डेथ होती हैं, तो अनड्यू फॉल जो है वो ऐसा काम ना करें जिससे कि आप हर्ट हों। तो आज के सेगमेंट चेरीज के साथ दिल अपना पाकिस्तान। I Can Help Immigration Services is reliable and leading immigration service provider in Surrey, BC. We are a member in good standing with the ICCRC. Please send us your resume at sayed.khan@icanhelpimmigration.com or call us at 778-239-7861. Our website is www.icanhelpimmigration.com. Sundays at 3:30 p.m., Dil Apna Pakistan presents a cultural magazine show for Canadians with Pakistani roots, featuring community information and entertainment. इसी के साथ देखते रहिए वैंकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान जी, और देखते रहिए वैंकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान।